गाइज, एक तरफ सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, वो कह रहे हैं कि टर्म वन एग्जाम जो है वो अपने तय समय यानी कि नवंबर दिसंबर में होगा, 4 से 8 सप्ताह, यानी कि आप वही 2 महीना जिसको आप बोल सकते हो, नवंबर दिसंबर जिसे बोला जा रहा है, उसमें ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा टर्म वन का। ठीक है, ऑनलाइन वे का करने का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब चांस ही नहीं है, ये कह रहे हैं सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज। लेकिन गाइज, बहुत सीरियस कंसर्न वाला मैटर अभी आ चुका है, देश के कई राज्यों में कई स्कूल्स जहां पे खुले हुए हैं वहां से अब थोड़े एडवर्स जो रिपोर्ट्स हैं वो निकल करके आ रहे हैं, कोई नेगेटिव रिपोर्ट्स निकल करके आ रहे हैं। कई जगहों पर स्कूलों में बच्चे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आज अभी सुबह मेरे पास में एक अपडेट पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद में आनन फानन में जो है वो स्कूल्स को बंद कर दिया गया। मतलब हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि हम जहाँ पे स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव होंगे, स्टाफ पॉजिटिव होंगे, वहाँ के स्कूलों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और वहाँ को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। गाइज, कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि हिमाचल प्रदेश के मंडी के साई स्कूल धर्मपुर में सिर्फ 3 दिनों में 79 स्टूडेंट्स और 3 स्टाफ जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद में स्कूल को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में 25 सितंबर तक के लिए स्कूल को बंद किया गया है, स्कूल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, रेजिडेंशियल स्कूल्स अभी भी ओपन हैं। अब यहां पे एक बड़ा सवाल है कि क्या टर्म वन एग्जाम्स जो है उसको ऑनलाइन वे में मतलब कंडक्ट नहीं कराया जा सकता या कराया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो एक पीआईएल चल रहा था उसका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो ट्यूसडे को, मंगलवार को निकल करके आया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी, एक इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट ने ये पीआईएल दाखिल किया था कि स्कूल्स को रीओपन कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कहा था कि भाई हम स्कूल रीओपन करने का आदेश नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते कि सबको स्कूल जाना ही है, ये इंटायरली डिपेंड करेगा पेरेंट्स के ऊपर में और स्टूडेंट के ऊपर में, और जिस राज्य की बात होगी या जहां जिस एरिया की बात होगी वहां के ऊपर में, मतलब सिनेरियो देख करके, सिचुएशन देख करके आपको करना है। लेकिन सिनेरियो कैसा है, सवाल ये उठता है सिनेरियो कैसा है। लद्दाख की बात की जाए तो 2 अक्टूबर को वहां पे फिर से समीक्षा बैठक होगी जिसमें चेक किया जाएगा स्कूल खोला जाए कि नहीं खोला जाए। वैसे 18 सितंबर से 15 दिनों के लिए लद्दाख में स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। सिक्किम में 5 स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद से 31 अक्टूबर तक के लिए बंद किया गया। अब यहाँ पे पॉइंट एक चीज नोटिस करो कि कैसा अलग अलग यहाँ पे डिसीजंस लिया जा रहा है। सिक्किम में 31 अक्टूबर तक सिर्फ 5 स्टूडेंट जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद में 31 अक्टूबर तक के लिए बंद। Are you also an IIT JEE aspirant? अगर हाँ तो क्या आप जानते हैं कि JEE Main 2021 का ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 1 कौन है? वो स्टूडेंट है Unacademy का, एंड देयर आर मेनी Unacademy चैंपियंस जिन्होंने JEE Main 2021 को टॉप स्कोर्स के साथ क्रैक किया, और अब ये गोल्डन चांस आपका भी हो सकता है। पार्टिसिपेट कीजिए 26 सितंबर को 11 बजे इन इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर IIT JEE aspirants, Unacademy Combat फॉर क्लास 11, 12 एंड ड्रॉपर्स, और आप जीत सकते हैं मौका ढेरों स्कॉलरशिप जीत का वर्थ ₹4 करोड़। तो यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में। एक खास बात, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें क्योंकि सून प्राइसेस विल राइज, और अब तो आप मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। साथ ही 22 सितंबर से आपके इन्हीं तैयारियों को बूस्ट करने के लिए Unacademy इज लॉन्चिंग मेनी बैचेस, जैसे कि जुनून ए जेई, इवॉल्व 2.0, राइज 2.0। In these courses, top educators will help you prepare and complete the syllabus of chemistry, physics and maths. So enroll now and use my referral code VishalKR for extra 10% discount. For more details, go to the link in description. लेकिन वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो जहां पे 79 स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव होते हैं और वहां पे अभी 25 सितंबर तक के लिए बंद किया गया है, मतलब 79 है तो 25 सितंबर, ठीक है। और अगर सिक्किम की बात की जाए तो 5 स्टूडेंट के कोविड पॉजिटिव होने पे वहां पर 31 अक्टूबर तक के लिए बंद किया गया। मतलब कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है कि भाई कहां पे कितने बच्चे पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो मतलब अपने मन मर्जी से जो भी स्टेट्स हैं वो डिसीजन ले रहे हैं।
मतलब जहां का हो रहा है वहां का कर दिया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, उड़ीसा से भी कुछ इसी तरह के अपडेट्स निकल कर के आ रहे थे कल परसों में कि वहां पे भी ऐसे कुछ चीजें हैं, एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये यहां पे एक सवाल उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो कह चुकी है कि भाई जो स्कूल जाना है नहीं जाना है, स्कूल बंद करना है नहीं करना है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन का माहौल एक कहीं ना कहीं है, ये तो है अभी भी, क्योंकि देखिए टर्म वन का एग्ज़ाम जब शुरू हो रहा है उससे उसमें बहुत कम समय बच्चों को जो है वो मिला है एक तरह से प्रिपरेशन के लिए। ऑल दो टर्म वन जो है वो सिर्फ 50% सिलेबस पे आएगा और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि स्टूडेंट सेफ्टी की और साथ साथ में बच्चे पॉजिटिव वे में आए, ठीक है, क्योंकि पिछले दो सेशंस में हमने देखा एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनके मार्क्स बहुत घट गए, बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन से उनके बहुत कम आए, और वहीं जहां पे कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट नीचे जाता था, लो रहता था, उनका अचानक से बहुत बड़ा हाइक हो गया। अब यहां पे यही बड़ा सवाल है कि स्कूल्स का क्या फैसला लिया जा रहा है टर्म वन एग्जाम्स को लेकर के, सीबीएसई का क्या कहना है, सीबीएसई को ये क्लैरिफाई बिल्कुल करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं गाइस कि सीबीएसई पूरी तरह से कह चुकी है कि इस बार तो एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, और वैसे मैं एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगता है कि एक भी स्टूडेंट पूरे देश भर में इस बार चाहता है कि एग्जाम ना हो। मामला ऑनलाइन ऑफलाइन का हो सकता है, लेकिन एग्जाम ना हो ऐसा कोई नहीं चाहता, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताना कि आर यू रेडी फॉर एग्जाम्स और नॉट, आप लोग एग्जाम के लिए तैयार हो या नहीं हो, भले ही वो ऑनलाइन वे में हो या ऑफलाइन वे में हो, तैयार हो कि नहीं हो, क्योंकि यही ब्लेम किया जाता है कई महापुरुषों के द्वारा कि बच्चे एग्जाम देना नहीं चाहते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये कोरोना 1.5-2 साल से आया, इससे पहले बच्चे एक सेशन में 8-8, 7-7, 9-9 एग्जाम्स देते थे, ठीक है, तो उसमें कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ये है कि बच्चे हमारे सही तरीके से एग्जाम लिख लें, उनका रिजल्ट अच्छा आ जाए, ताकि मोरल जो थोड़ा सा नीचे चला गया है बच्चों का वो बूस्ट कर जाए, गार्जियन भी कहीं ना कहीं ऊपर हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए गाइज, और एक अपडेट यहाँ पे जो निकल करके आया वो एकदम अच्छा नहीं है। LOC यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो CBSE ने कहा था तमाम देश भर में फैले एफिलेटेड स्कूल्स को कि 30 सितंबर तक जमा करना है, उसके लिए स्कूल लगी तो हुई है, लेकिन मेरे पास में इतने रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि मैं इस पर शायद कोई वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। जहां पर फीस सिर्फ 1500 रुपये लगना चाहिए था 5 सब्जेक्ट का, क्लास 10 ट्वेल्थ का, वहां पे कोई स्कूल 2500 ले रहा है, कोई 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, मतलब जिस स्कूल को जो मन कर रहा है वो सब कुछ चार्ज कर रहे हैं। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा कुछ चार्ज किया जा रहा है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, स्टडी विद विशाल सर, वहां पे भी आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। अगर आप अप्रूव करोगे, अगर आप मुझे बोलोगे, तो हम आपका स्कूल का नाम या आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ये मैटर रेज जरूर करेंगे, ये सीरियस कंसर्न है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस के जवाब कि ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम आप कितने तैयार हो, दूसरा कि क्या आपसे भी ज्यादा पैसे ले जा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइज एक बार मैं फिर से बता दूं कि CBSE क्लास 9 से 12 तक के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत बेनिफिट्स हम लोग एक काम कर रहे हैं, हर साल की तरह इस बार भी क्लास 9 से 12 सभी सब्जेक्ट सभी स्ट्रीम के लिए हम नोट्स ला रहे हैं। थोड़ी देरी हो रही है बच्चों, क्योंकि बहुत प्रेशर है हम सब पर भी, हम मेरी टीम पर भी, लेकिन हम लगातार काम कर रहे हैं और जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं हम उसको आपको देते जा रहे हैं। सो प्लीज़ आपको PDF लिंक भी मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस हम आपसे नहीं ले रहे हैं, एक रुपया भी हम आपसे नहीं लेंगे, सिर्फ आप लोग खुश रहो, अच्छे से पढ़ो। और प्लीज़ यार एक काम आप कर सकते हो कि अगर आपको इस चैनल पे पूरी तरह से ट्रस्ट है तो प्लीज़ इसे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं। यस, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, जय हिंद जय भारत।